हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये व्लॉग नहीं होने वाला, ये होने वाला है सिस्टम हैंग करने वाला वीडियो। तो जैसे कि आपको पता ही कि मैंने सिस्टम बोल दिया है, तो आपको पता चल चुका है कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि अल्पेश यादव जी ने बिग बॉस OTT 2 में विनर बन के जो पूरे इंडिया को, दुनिया को हिला दिया है, सिस्टम हैंग कर दिया है, तो अब सबको सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ये भी डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि सलमान खान के बिग बॉस शो में OTT 2 में तो फाइनली अल्पेश यादव जी जीते हैं। एंड काफी मजेदार बात तो ये है कि सब ने, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी काफी इन्हें सपोर्ट किया है। तो साथ ही मेरे हो गए हैं 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट, और अल्पेश भाई ने भी सिस्टम हैंग कर दिया है पूरी इंडिया का। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भी 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और अल्पेश भाई भी बिग बॉस OTT 2 जीत गए हैं। तो मेरा तो वोट अल्पेश भाई को था, आपका वोट किसको था तो पक्का बताइए। और अल्पेश भाई के कौन कौन बिग फैन है, एंड उन्होंने तो सिस्टम सच्ची में हैंग कर दिया है। पहले ना मुझे समझ नहीं आता ये सिस्टम हैंग है क्या, तो मैंने काफी सर्च के बाद देखा भाई अल्पेश भाई सिस्टम हैंग करने का, और उसके बाद जो रिजल्ट था वो देखने लायक था। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि भी भाई दिल जीतना सबसे बड़ी बात है, ट्रॉफी मायने नहीं रखती है। तो उन्होंने दिल भी जीता है लोगों का और ट्रॉफी भी जीत के गए हैं। और जो दुनिया, जो इंडिया का भरोसा था कि भैया अल्पेश भाई जीतेंगे, तो वो जीत के उन्होंने जो जीत हासिल की है, तो उसी वजह से इंडिया भी बहुत खुश है। सो जैसे कि आपको पता है कि ग्रैंड फिनाले में जो, जब वहां पे रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट हो रही थी, तो उसमें दोनों की हालत तो बहुत ही टाइट हो चुकी थी, तो वो भी एकदम देखने लायक रिएक्शन था। तो जो सलमान खान भाई रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे ना भाई, इतने खतरनाक तरीके से कर रहे थे ना कि सब लोग के ना मुंह खुले हुए थे ठीक की तरीके से कि भाई क्या होगा क्या होगा। पर किसी को भरोसा भी था कि अल्पेश भाई जीतेगा। भाई मुझे तो पूरा भरोसा था कि अल्पेश भाई जीतेगा, इतना भी घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं। फिर चलो, तब भी सबका अपना स्टाइल होता है। जो लास्ट में जब रिजल्ट अनाउंस भी हो गया ना, तब भी अल्पेश भाई का कोई खतरनाक रिएक्शन था ही नहीं, उन्हें लगा शायद फिर मजाक कर रहे हैं ना। वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। दिल है, दिल है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इज एल्विश। सो देख लिया आपने उसके बाद उनका रिएक्शन कैसे था। थोड़ी देर वो साइलेंट हो गए, उसके बाद जो उनकी जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और जिन्होंने जो अपना जो प्राइस था वो अभिषेक मल्हान के साथ और मनीषा मैम के साथ भी वो शेयर किया। सो सुर्खियों में ये भी आ रहा है कि आलिया भट्ट जी ने भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया था। और जब अल्पेश यादव जी को पता चला कि आलिया भट्ट ने बड़ा इन्हें सपोर्ट किया है, तो उनका रिएक्शन बहुत देखने लायक था। तो मैं आपको वो रिएक्शन चेक करवाती हूँ। आलिया भट्ट ने सपोर्ट किया आपको, क्या बात कर रहे हो यार। सो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूंगी। जब ग्रैंड फिनाले में आखिरी वक्त में, जब 15 मिनट के लिए जब वोटिंग के लिए जो लाइनें खोली गई थी, तो उसमें जो अल्पेश यादव को वोट मिले हैं वो काफी शॉक्ड वाले थे। तो उसमें मिले हैं 280 मिलियन वोट्स। और जब अल्पेश यादव जब इस ग्रैंड फिनाले से जब खत्म हो गया था, तो जब उन्हें पता चला कि उन्हें 15 मिनट में 280 मिलियन उन्हें जब वोट्स मिले हैं, तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए, बहुत ज्यादा। तो आप इससे पता चल सकता है कि इंडिया वाले उन्हें कितना प्यार करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट। भाई मैंने भी अल्पेश भाई को ही वोट दिया है सिस्टम हैंग करने के लिए। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि शायद लोगों ने पहले ही रिजल्ट तय कर लिया था कि भाई अल्पेश भाई जीतेगा तो जीतेगा। तो किसको लग रहा था कि अल्पेश भाई जीतेगा रिजल्ट से पहले, तो वो कमेंट में जरूर बताए। और अल्पेश भाई को हैंग। और जहां तक बात करें यूके Rider07 की, तो उन्होंने भी काफी मजेदार रिएक्शन दिया है जीतने के बाद, वो तो रो भी गए थे। तो मैं उनका रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगी। जब वोटिंग चल रही थी, तो उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। तो उन्हें, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया अल्पेश भाई को। तो आपको मैं उनका रिएक्शन चेक करवाती हूँ, अगर आपको पसंद आया तो आप भी कमेंट पे जरूर लिखे अल्पेश भाई सिस्टम है। अल्पेश वहां पे, और
और पूरव झा का भी आप रिएक्शन चेक करिए कि उनका रिएक्शन कैसे था जब वो लास्ट में वोटिंग्स का रिजल्ट वहां पे शो करवा रहे थे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। और मजे की बात तो ये है ना यार, YouTube में भी इतना दम होता है यार, यूट्यूबर भी खतरनाक है भाई, यूट्यूबर की जय हो। और इतना सपोर्ट किया ना यूट्यूबर्स ने एल्विश भाई को कसम से, तो मैं आपको इनके रिएक्शन तो चेक करवा ही दूंगी। और कसम से यार मुझे नहीं पता था भाई यूट्यूब में भी इतना दम होता है भाई, हिला के रख दिया सबको। और मजा ही आ गया बिग बॉस इस बार OTT2 देखने में तो। और साथ ही मैं भी एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ, इसलिए मैंने भी सोचा कि एल्विश भाई की एक वीडियो तो जरूर बनती है मेरे चैनल में। तो मेरे भी अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों जिसको नहीं पता तो उसको मैं बता देती हूँ, और जो एल्विश यादव जी थे उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। तो आज तक ऐसा नहीं था कि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके कोई जीता है, और उन्होंने इस मुकाम पे भी आके उन्होंने जो जीत हासिल की है वो बहुत ही मायने रखती है लोगों के लिए। तो लोगों का जो भरोसा था वो एल्विश भाई ने नहीं तोड़ा है, और पूरे दुनिया का सिस्टम हैंग कर दिया है भाई। और जो एल्विश भाई को सपोर्ट किया है उनका भी धन्यवाद। सो अब बात करते हैं अभिषेक मलान उर्फ फुकरा इंसान की। तो इनके भी काफ़ी फॉलोवर एंड फॉलोइंग फैंस हैं जिन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था OTT बिग बॉस 2 में। तो ये रनर अप रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है कि एल्विश यादव जी ने जो अपना जो ट्रॉफी मिली तो उन्हें भी दिया था कि मैं भी अपने भाई के साथ इसे शेयर करूंगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अभिषेक मलान को भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है और ये काफ़ी मज़ेदार हैं। तो इनके भी बहुत सारे फॉलोइंग फैंस हैं। तो काफ़ी हद तक खबरें सुनने में ये आ रही थी कि भाई सेमी मतलब ग्रैंड फिनाले होने के बाद ये हॉस्पिटल एडमिट हो गए। हालांकि इनकी तबीयत पहले से खराब थी तब ये सीधे फाइनल होने के बाद ये सीधा चले गए हॉस्पिटल एडमिट होने। मनीषा भी गई थी इनसे मिलने। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ में आ रहा है कि एल्विश भाई शायद इनके हेटर्स है इसलिए ये इनसे मिलने नहीं गए, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ साफ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन किया है कि भाई मैं किस कारण नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा है कि वो बिग बॉस की सिक्योरिटी में है, कि उन्हें अभी कितने सारे कॉन्फ्रेंसिस मीटिंग्स करनी है, तो उस कारण वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं पॉपुलर ज़रूर आऊँगा मिलने। तो आप उनकी स्टोरी चेक कर सकते हैं, मैं अभी आपको उनकी स्टोरी शो करवाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज काफी फैल रही है, एक चीज नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही हैं कि एक तो एक दूसरे को नीचा, कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई, क्या भाईचारा खत्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा मैं इस चार दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहाँ भी बंद। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है, और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और उस मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीजें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पर मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज को प्लीज नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू। सो दोस्तों एल्विश भाई यूट्यूबर होने के साथ साथ अब बिग बॉस OTT2 का भी खिताब जीत चुके हैं। एंड भाई मेरे को ना पहले से पता बिग बॉस देखना बिल्कुल पसंद नहीं था भाई, जब एल्विश भाई की एंट्री हुई ना कसम से सिस्टम हैंग कर दिया भाई ने तो बिग बॉस के, और तब मुझे इतना मजा आया ना बिग बॉस देखने के लिए। और किस किस ने एल्विश भाई एंड अभिषेक मलान को वोट किया है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके दोनों का नाम लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।